ये लीची का बाग है। अच्छा, ये कच्चा फल अभी ना तैयार हो रहा है। ये है जी, ये आम लगे हुए, ये सारा लंगड़ा है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो आज़ाद, मेरा नाम कामरान है और आप देख रहे हैं के खान्स ग्लोब। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ शर्कपुर शरीफ। शर्कपुर जो है ये ज़िला शेखपुरा की एक तहसील है और ये लाहौर से तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर है। ये तकरीबन 600 साल पुराना शहर है। ये मज़ारात की ज़मीन भी है और यहाँ पर बहुत सारे मज़ार भी हैं, जिनमें से एक मज़ार जो कि शेर मोहम्मद शर्कपुरी साहब का मज़ार है, जिनके नाम से शर्कपुर का नाम मंसूब है, तो वो भी हम विज़िट करेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो शहर है ये दरिया रावी के किनारे पर बनाया गया था। दरिया रावी के किनारे ये आबाद हुआ था। तो ये जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ थी, बहुत ज़्यादा जंगलात थे यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पे जानवर थे, तितर बटेर और हिरन वगैरह बहुत सारे जानवर यहाँ पे थे। तो जिसकी वजह से मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की पसंदीदा शिकारगाहों में से ये शिकारगाह थी। अभी सबसे पहले हम मज़ार शरीफ का विज़िट करेंगे, उसके बाद हम जो यहाँ पर शर्कपुर की पहली मस्जिद बनाई गई थी जिसे टाली वाली मस्जिद कहा जाता है उसका विज़िट करेंगे, और इसके बाद हम जाएंगे हाजी हाकिम अली साहब जिनके गुलाब जामुन काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, 100 साल पुरानी ये दुकान है। तो आइए चलते हैं शर्कपुर का विज़िट करने। अच्छा, शर्कपुर की क्या क्या चीज़ मशहूर है जी? शर्कपुर के गुलाब जामुन बड़े मशहूर है अभी, उस बाद जुतियाँ मशहूर है, खुस्से जो कहते हैं देसी खुस्से जो होते हैं तिले वाले, वो बहुत मशहूर है उसे बनते हैं। और मियाँ साहब का दरबार है माशाल्लाह, काली वाली मस्जिद है अभी। अच्छा, कि उस बाद मियाँ साहब का मज़ार है, मियाँ मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उधर चलते हैं फिर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये जी मज़ार की एंट्रेंस है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ये सारे लोग मज़ार की तरफ जा रहे हैं, तो आगे मज़ार का विज़िट करते हैं। ये वाली बेहतर लग रही है, ये बड़ी है, ये ठीक है, 50 रुपीज़। अच्छा, चास की है, ठीक है, ये कर दो। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो शर्कपुर की सबसे पहली मस्जिद उसके सामने मैं मौजूद हूँ, इसको टाली वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके बारे में एक रिवायत ये भी है कि यहाँ पे एक टाली थी और ये चूंकि शहर जो है शर्कपुर दरियाए रावी के किनारे पर था, यहाँ पे मल्लाह अपनी कश्ती बांध देते थे और मुसाफिर यहाँ पे नमाज पढ़ने आते थे, तो उसके बाद फिर यहाँ पे मस्जिद बना ली गई। तो ये शर्कपुर की पहली मस्जिद है। ये है जी मलकाना दरवाज़ा शर्कपुर का, और इस गली के अंदर, इस दरवाज़े के अंदर जब हम जाएंगे तो आगे हाजी हाकिम अली साहब जो कि मशहूर हैं गुलाब जामुन के हवाले से, उनकी शॉप है, इसी गली में आगे हमने जाना है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शर्कपुर की जो मशहूर गुलाब जामुन की फैक्ट्री है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये हाजी हाकिम अली साहब की दुकान है जो कि पिछले 100 साल से यहाँ पे चल रही है। तो इस फैक्ट्री का मैं आपको विज़िट कराऊँगा, इनके गुलाब जामुन किस तरह से यहाँ पे बनते हैं और इनके गुलाब जामुन की क्या ख़ास बात है, बाकी गुलाब जामुन से ये किस तरह से डिफरेंट है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बाकी जो गुलाब जामुन है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सर, इसमें ना खोया है। अच्छा, खोया और सूजी, और इसमें कुछ भी नहीं है। और ये शॉप कितनी पुरानी है? 100 साल से ऊपर हो गए हैं इस शॉप को। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये सिर्फ आप लोग लोकली बेचते हैं कि? नहीं, ये इंटरनेशनल जाते हैं। अच्छा, पूरे ऑल वर्ल्ड में जा रहे हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान में जो रहायशी हैं, जो बाहर हैं, जिनको पता है वो लेके जाते हैं। इसके अलावा भी ब्रांच है आप लोग? इसके अलावा एक ब्रांच अब लाहौर में शुरू की है, ठोकर न्याज बेग पे। बाकियों में आप टेस्ट कर सकते हैं, बाकी लोग क्वांटिटीज की बढ़ाने के लिए, कुछ ज़्यादा मटेरियल लगाने के लिए सूजी ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। इसमें और भी चीज़ है, खोया सही नहीं मिलता, बहुत बहुत यानी डिफरेंट चीज़ें हैं, कोई मैदा इस्तेमाल करते हैं इसमें, यानी कि ये प्योर खोया है और सूजी। खोया और सूजी, यानी कि किलो खोया और आधा किलो सूजी। ठीक है,
इससे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर जायके में फ़र्क आ जाएगा। ये गुलाब जामुन के लिए शीरा तैयार हो रहा है यहाँ पे। ये ऑर्डर पड़े हुए हैं जी, ये सारे आप देख सकते हैं, और वहाँ से ये पैकिंग हो रही है। वहाँ से ये है जी, ये कुजा है। इसमें जी कितने होते हैं? एक कुजा 200 रुपए का, इसमें 30 पीस है। अच्छा, ये 200 रुपए का, इसमें 30 पीस हैं, और मतलब ये गिन के डाले जाते हैं। और ये बाल्टी है ये जी, ये 500 रुपए की बाल्टी है, इसमें 67 पीस हैं। ठीक है, ये बाल्टी में पैकिंग हो रही है। ये हमारे लिए भी आ चुके हैं जी गुलाब जामुन, इनको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। हाँ इमरान, कैसा है? बेहतरीन गुलाब जामुन है जनाब, लाहौर में ऐसे गुलाब जामुन नहीं मिलते, बहुत ही जो है डिफरेंट है। अच्छा, बेहतरीन गुलाब जामुन है, आज तक मैंने इस तरह का गुलाब जामुन नहीं खाया। वाकई अगर ये मशहूर हैं तो वाकई इनका जायका भी है। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप लोग भी आएँ और यहाँ पे विज़िट करें और देखें कि ये गुलाब जामुन किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ इसमें इन गुलाब जामुन में खोया डाला गया है, और दुआ की बरकत से इसका जो जायका है मज़ीद बढ़ गया। बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये हाजी आकम अली की दुकान है, हाजी आकम अली हमारे दादाजी हैं, उनसे मियाँ शेर में साहब रहमतुल्लाह अलैह के बुज़ुर्ग हैं, वली अल्लाह हैं। ये मटेरियल उन्होंने उनसे तैयार करवाया था और ये उस वक़्त से बिक रहे हैं, उनकी दुआ से। ये दो कुजे हमें आबिद अली साहब ने, जो ऑनर हैं आजकल, उन्होंने हमें ये गिफ्ट किए हैं। ये हम लेके जाएंगे, घर वालों को भी खिलाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ये जी गुलाब जामुन की रेट लिस्ट है, फ़ी अदद गुलाब जामुन 6 रुपये का, और बाकी ये जो मट्टी का मटका है उसको कुजा कहा जाता है, और इसमें ये मुख्तलिफ रेट्स हैं। 200 वाला जो कुजा है उसमें 30 पीस है, और ये बाकी जो है ना बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी भी है। ये जी शर्कपुर शेखपुरा रोड है, यहाँ पे आगे जाएंगे तो शेखपुरा है, और इस तरफ जो है वो शर्कपुर है। और ये जो है ये हाफिज़ साहब का, हाफिज़ अदनान साहब का ये ऑफिस है, जिनका बाग अभी आपको मैंने विज़िट करवाना है। हाफिज़ साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त ऑफिस है आपका, आप यहाँ बैठेंगे या उधर बैठेंगे? ये मेरा ऑफिस है। अच्छा, यही है? जी जी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन है। अल हाफिज़ टाउन के लिए उन्होंने ये जो है ज़मीन, यहाँ पे टाउन बनेगा अल हाफिज़ टाउन के नाम से, और ये जो है सड़क इस तरह से यहाँ पे कटिंग होगी। ये जो प्लॉट्स सामने आपको नज़र आ रहे हैं, और पीछे ये बाग है जो कि मैंने अभी आपको विज़िट करवाने। माशाल्लाह शर्कपुर की जो सरज़मीन है ना, काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ है। ये अमरूदों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अभी मैं आपको अमरूदों के बाग में भी लेके जाता हूँ, अभी साथ साथ हम गाइड के साथ अपने जा रहे हैं। और आगे आम वाला भी बाग है, और ये अमरूदों के बाग में हम आ गए हैं। ये अमरूदों का बाग है, लेकिन सीज़न आउट हो चुका हुआ है, क्योंकि लास्ट ये सर्दियों का सीज़न आउट हो गया ना। अभी ये गर्मियों के आ रहे हैं। गर्मियों का कब होगा ये? बस स्टार्ट है, ये देखो ना। अच्छा, स्टार्ट है ये जो ना अभी। ठीक है, ये तकरीबन कोई जून जुलाई में तैयार होगा। हाँ जी, जून जुलाई। ये अमरूदों का ये सारा बाग है। और अभी पिछला सीज़न कब आउट हुआ था? पिछला तकरीबन कोई 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, ख़त्म हो गया, फल ख़त्म हो गया। हाँ जी, मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं ना जी? बिल्कुल, एक्सपोर्ट क्वालिटी के अमरूद होते हैं यहाँ पे। तो अभी तो यहाँ पे लगे नहीं हैं, लेकिन ये है कि अभी अगला सीज़न आ रहा है, फूल वगैरह निकले हुए। हाँ जी, आगे चले। आम वाला कहाँ पे है? आगे है सर, ये आगे। आ जाए, आ जाए। अच्छा, इस तरफ। वेरी गुड। ये पूरा जो बाग है ये हाफिज साहब का है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये कितना एरिया होगा?
ये तकरीबन 25-26 एकड़ है। तकरीबन 25-26 एकड़। हाँ जी। ये जी ये आ गए जी आम के बागात आ गए, और ये आम आप देख लें लगे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। लंगड़ा लंगड़ा है कि चौंसा है? ये लंगड़ा है। अच्छा लंगड़ा है। अच्छा इसकी ये देखें जी, ये आम लगा हुआ है और दो महीने के बाद तैयार है। दो महीने तक ये जबरदस्त हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। ये हैं जी ये आम लगे हुए, ये सारा लंगड़ा है। हाँ जी। अच्छा ये आगे लोकाट का दरख्त है। ये वाला? हाँ जी, ये लोकाट का दरख्त है। ये वाला भी? हाँ जी ये भी लोकाट का है। वो वाला भी लोकाट का, अभी लोकाट लगे नहीं, लोकाट का तो सीजन उतर गया ना। उतर गया, सीजन उतर गया, पहले रमजान में थे। अच्छा रमजान में थे, ठीक है। ये आगे पीते हैं कहाँ पे? ये जिनके नीचे, ठीक है। कितने दरख्त हैं इसके? इसके तकरीबन कोई 40-50 दरख्त। अच्छा ये शहतूत के। हाँ। तो इनका सीज़न कब होता है? इनका सीज़न सर एक महीना हो गया, ये ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए। हाँ जी। यार हम सारा सीज़न आउट में ही आए हैं, कोई फल नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ। हाँ अच्छा, ये एक महीना पहले आप आए थे ये बिल्कुल फुल था। चलें फिर हम दोबारा आएंगे, इस सीज़न में आएंगे इंशाल्लाह ताला। हाफिज़ अदनान यूसुफ साहब का ये पूरा इलाका उनका, और यहाँ पे वो सोसाइटी बनाने का प्लान रखते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे कटिंग होगी, ठीक है। और हाफिज़ गार्डन के नाम से। हाँ जी, वो जो सामने नज़र आ रहा है वो बाग कौन सा है? वो वाला? वो भी अमरूद का है। वो भी अमरूद का है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन ये आम की अगर हम बात करें तो कितने ट्रक या पेटियाँ वगैरह, पेटी किस तरह से नापते हैं? तकरीबन कोई 10 ट्रक तो निकलेंगे। 10 ट्रक? हाँ जी 10 ट्रक निकलते होंगे। अच्छा, और एक ट्रक में कितनी वो पेटियाँ होती हैं? एक ट्रक में तकरीबन 80 से 100 पेटी से ज़्यादा ही आती है। 80 से 100? हाँ जी ठीक है, यानी कि 10 ट्रक निकलते हैं। और ये सारा एक्सपोर्ट होता है कि? एक्सपोर्ट होता है साहब। ये लोकल नहीं बेचते? लोकल बेचते हैं लेकिन ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इदरीस भाई ये क्या किया हुआ है, ये दरख्त को क्या किया हुआ है? ये रैप क्यों? ये जो है ना, ये इसको कीड़ा वगैरह लग जाता है। अच्छा, रह कहते हैं दरख्त को, रह लग जाती है। अच्छा, तो उसके लिए उन्होंने ये छापर चढ़ाया है और नीचे मट्टी वगैरह लगाई हुई है। तो इससे ये ठीक हो जाता है? हाँ जी इससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये वो सामने दरख्त है उसको भी लगाया? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो ये कितने लिए लगाया है कि इसको रह लग जाती है? राय कहते हैं इसको? हाँ, राय जो छोटा कीड़ा होता है ना। अच्छा अच्छा, उसको राय कहते हैं, वो लग जाती है, तो उसकी वजह से ये लगाया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये इदरीस भाई काफ़ी ज़्यादा जो है आम ये गिरे पड़े हैं, तो इनका क्या करते हैं? इनका सर ये इसकी चटनी वगैरह बनाते हैं। अच्छा, ये उठाते हैं ना? हाँ जी, उठा के इसको ग्राइंड करके इसमें मिर्चें वगैरह, पुदीना और ये धनिया वगैरह डाल के इसकी चटनी बनाते हैं। बड़ी कहते हैं लजीज चटनी होती है इसकी। अच्छा, यानी कि ये ज़ाया नहीं करते बल्कि ये उठा लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि आम जो ना गिरे पड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे आम की चटनी बनती है। ठीक है, नहीं तो इसकी वजह क्या गिरने की? ये तो कच्चे आम है, अभी पके भी नहीं। बस हवा के साथ जो है ना, ये हवा चलती है तेज तो उसमें ये गिर जाते हैं। अच्छा, या बच्चे वगैरह गिरा देते हैं या हवा के साथ गिरते हैं। ठीक है ठीक। ये जी इस वक्त हम लीची के बाग में खड़े हैं, और ये आप देख सकते हैं अभी फल लगा नहीं है, ये लगने वाला है। ये सारा जो है ये लीची का बाग है। अच्छा, ये कच्चा फल अभी ना तैयार हो रहा है, ये लग जाएगा ना? ये महीना लग जाएगा? महीना डेढ़ दो महीना लग जाएगा। अच्छा ज़बरदस्त। ये बिल्कुल कच्ची है? हाँ जी, अभी पक रही है, दो महीने लगेंगे। अच्छा ये बताएं, ये लीची का सीज़न है ये कितना होता है? ये तो काफ़ी जो है शॉर्ट टाइम होता है इनका, कोई एक महीने का सीज़न होता है? ये बस एक दो महीने का सीज़न होता है। एक दो महीने का सीज़न होता है? जी बिल्कुल। अभी ये जून और जुलाई स्टार्ट हो जाएगी, ये पक जाएगी मुकम्मल? जी बिल्कुल। ठीक है, ये जी लीची, लीची का दरख्त जिसने नहीं देखा और लगी हुई लीची आपने अगर नहीं देखी तो ये देख लें, ये बेहतरीन। यहाँ पे ये जो ना फल काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पे। ये मैं इसके नीचे जाता हूँ और ये आपको नीचे से मैं दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह ये दरख्त भरा हुआ है लीचियों से, भरा हुआ दरख्त। ये देखें जी, ये हाइट देखें मकई की, जो ना हाइट देखें, ये मकई की हाइट है, और ये तैयार फसल एक महीने बाद ये बम्पर क्रॉप तैयार होगी।
बहुत ज़बरदस्त, हर तरफ जो है ना छलियाँ ही छलियाँ। हाँ जी, एक एक ये इसके साथ टेनी के साथ तीन तीन छलियाँ लगी। वेरी गुड। अच्छा, ये भी कहाँ, ये बाहर भेजी जाती है एक्सपोर्ट? इधर ही है, ये बाहर जाती है जो कोई शौकिया तौर पे जो पसंद करे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वैसे ये यहीं पे इस्तेमाल होती है। ठीक है। मकई की रोटी, मकई की रोटी और लस्सी, चटनी, चटनी। अच्छा, पुराने ज़माने की गजा है। हाँ, ज़बरदस्त प्योर गजा है ये। बिल्कुल यार, बड़ा मज़ा आया इद्रीस भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने विज़िट कराया। कोई बात नहीं, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, कभी लाहौर आए आप? इंशाल्लाह सर, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपसे तो मुलाकात होगी अभी। इंशाल्लाह 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 ज़रूर, थैंक यू। रास्ते में मुझे जाते हुए पीछे आप देख सकते हैं रंग बिरंगा टेंट नज़र आया है। यहाँ पे जो है ना सरदाई बनती है, सरदाई एक मशरूब होता है, मैंने पहले तो नहीं पिया, तो अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और इसको ट्राई भी करते हैं। डेरा गाजी खान की मशहूर तोहफा सरदाई बेदामा दी। गाजी खान का? हाँ जी, डेरा गाजी खान सर, डेरा गाजी। अच्छा, इसमें क्या क्या डलता है? छोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, चीनी। अच्छा, जामे शीरी। तो इसमें ये जो मशीन लगी हुई है इसका क्या काम है? ये जो मशीन, ये मशीन है जी ना, ये सरदाई बना दी है। नहीं, इसमें ये जो बादाम शदाम, हाँ हाँ हाँ, ये सारा कूट देते हैं। हाँ हाँ, कूट कूट। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? वो सारा कुछ, छोटी इलायची, चारे मगज, सौंफ, हाँ सौंफ, जीरा। अच्छा, और साथ में दूध वगैरह? जामे शीरी? नहीं नहीं, दूध वगैरह नहीं होना, जामे शीरी खसखास होनी, चीनी होनी है। ठीक है। हाँ, मतलब ये यहाँ पे कूटते हैं? हाँ जी हाँ जी। और ये दूसरा मुझे ये नहीं समझ आती, जिधर भी इसका ये टेंट लगा होता है, ये रंग बिरंगा क्यों होता है? ए हाँ, हर किसी का अपना ये होंगे लिबास होंगे जनाब, जीवन कपड़ा कोई कैसा पार लग नहीं, मतलब ये डेरा गाजी खान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्पेशलिटी हाँ, मतलब डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान से। और ये लाहौर में जिधर भी है? हाँ, सारे डेरा गाजी खान। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले बना के देना हमें। हाँ जी, ट्राई कर लेते हैं। दूध है, दूध में जामी शीरी का जायका है, साथ में जो है बादाम, इलायची वगैरह, इन चीज़ों का जायका बीच में आ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की वीडियो मैं एंड करना चाहूँगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियोज़ बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू वेरी मच।